कोरोना का अटैक है और सिस्टम को चेक किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, कोरोना के नए वेरिएंट BF7 से लड़ने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। कोरोना से निपटने की तैयारी को और परखने के लिए देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर्स, बेड और दवाई जैसी तमाम जरूरी तैयारियों को परखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का अटैक, हो रहा सिस्टम चेक, मॉक ड्रिल से अस्पतालों की जांच, कोरोना को मात, कोरोना के खिलाफ राज्यों की तैयारी का इम्तिहान, अस्पतालों में परखी जा रही हेल्थ फैसिलिटीज। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। दुनिया में कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अपनी तैयारी के लिए केंद्र सरकार ने देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर्स, बेड और दवाइयों जैसी जरूरी तैयारियों को परखा जा रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि मॉक ड्रिल में किन मापदंडों पर ध्यान दिया जा रहा है। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले आइसोलेशन बेड हों, ICU बेड और वेंटिलेटर बेड भी हों, कोरोना टेस्ट लेबोरेटरी की संख्या और क्षमता, RT-PCR और रैट किट की उपलब्धता, परीक्षण उपकरण की उपलब्धता, PPI किट और N95 मास्क मौजूद हों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर हों, गैस पाइपलाइन सिस्टम चलते हों, इसको भी देखा जाएगा। चीन में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। शिवराज सरकार कोरोना से लड़ने की तैयारियों को परखने के लिए पूरे प्रदेश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर रही है। मॉक ड्रिल स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, गैस राहत और केंद्र सरकार के चिकित्सा संस्थानों में की जा रही है। राज्य सरकार ने कहा है कि वो कोरोना के नए खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चलिए फिर ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कैसी है मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में 1,685 ICU बेड तैयार, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में 15,490 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड्स, सरकारी अस्पतालों में 736 वेंटिलेटर, 824 BIPAP मशीन, 153 HFNC उपलब्ध, बच्चों के लिए 1105 अतिरिक्त ऑक्सीजन सपोर्ट बेड्स, 626 पीडियाट्रिक ICU बेड्स भी तैयार। वर्तमान में एक्टिव PICU में 140 पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, 65 एडवांस ICU वेंटिलेटर, 54 BIPAP। देश भर में आज कोरोना को लड़ने के लिए तैयारियों को लेकर आज मॉक ड्रिल करवाई जा रही है और लगातार जो है हमीदिया अस्पताल, तमाम सरकारी अस्पतालों में कोरोना से लड़ने की क्या कुछ तैयारियां हैं उनके इंतजाम किए जा रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर वो लगातार चर्चा कर रहे हैं तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनसे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, और ऑक्सीजन प्लांट का भी वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो की जा रही हैं प्रदेश भर में कोरोना से लड़ाई करने के लिए? की पूरी स्थिति के नियंत्रण के लिए और उसकी रिहर्सल के लिए आज हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में हम हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मॉक ड्रिल कर रहे हैं और हर तरह की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे इसकी तैयारी है। क्या कुछ उपलब्धता है बेड्स को लेकर बात करें? अलग अलग 40,000 पूरे प्रदेश में बिस्तर हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन स्टोरेज, ICU बिस्तर, ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर, सब तरह की व्यवस्था। बिल्कुल, देखिए पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने वो पहुंचे थे। साथ ही हमीदिया अस्पताल में अगर बेड्स की बात करें, अलग अलग तरीकों से पूरे जो है इंतजाम किए जा रहे हैं और इसी को लेकर जो है खास तैयारियां कोरोना से लड़ाई की यहां पर की जा रही हैं। प्रदेश से लेकर जो है केंद्र सरकार तक लगातार तैयारियां कर रहा है और अभी देखना होगा कि कोरोना अगर आता भी है तो कैसे जो ये व्यवस्थाएं संपूर्ण की जा रही हैं ये लड़ाई करने में कारगर साबित होती हैं। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ अमृताशी जोशी, न्यूज 24 भोपाल। स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने भी गांधी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कोविड 19 को लेकर स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ऑक्सीजन प्लांट की 24 घंटे जीपीएस के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। आप सभी से अपील है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। स्थिति के नियंत्रण के लिए और उसकी रिहर्सल के लिए आज हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। हम हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मॉक ड्रिल कर रहे हैं और हर तरह की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे इसकी तैयारी है। यार पूरे प्रदेश में बिस्तर हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन स्टोरेज, आईसीयू बिस्तर, ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर, सब तरह की व्यवस्था। वहीं बघेल सरकार भी कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के अम्बेडकर अस्पताल और रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉक ड्रिल के दौरान जुड़े। मॉक ड्रिल के दौरान वेंटिलेटर, मल्टी पैरा मॉनिटर की पूरी तरह से जांच हुई। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला अस्पतालों में आज कोरोना को लेकर के मॉक ड्रिल चल रही है। मैं इस वक्त रायपुर शहर के मेकाहारा हॉस्पिटल में हूं और यहां पर आप देखेंगे कि मॉक ड्रिल की ऑफिशियल शुरुआत यहां पर हुई है। अभी इमरजेंसी में ये एम्बुलेंस है, ये सामने आप लाया गया है और एक डेमो के तौर पर मरीज को यहां पर उतारा जा रहा है और तत्काल जो है ये मरीज को अंदर लेकर जाएंगे। मॉक ड्रिल जो है कोरोना से निपटने की पहली तैयारी यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। पहली और लहर और दूसरी लहर में कोरोना की जो स्थितियां बनी थी छत्तीसगढ़ प्रदेश में, उसी के लिहाज से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये तैयारी जो है वो की जा रही है। फिलहाल ये पूरी तरह से इमरजेंसी वार्ड है, कोविड वार्ड है यहाँ पर जिस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर जो है ये इनके निपटने की जो तैयारी है वो किस तरीके से की जाएगी उसको लेकर के यहाँ पर तैयारी की जा रही है। पेशेंट को अंदर लाया जाता है, तुरंत पेशेंट का नाम जो है वो यहाँ पर एड्रेस होगा और उसके बाद तुरंत तत्काल उन्हें जो है ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, वेंटिलेटर पर ले जाया जाएगा। तो ये तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और इसी तरीके से आज ये पहली शुरुआत है और इसकी रिपोर्ट जो है अब केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। तो इस तरीके से आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना की मॉक ड्रिल चल रही है। कैमरा पर्सन जगन प्रभात राव के साथ नेहा केशरवानी, न्यूज 24 रायपुर। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। ऐसे में आज पूरे देश में मॉक ड्रिल के जरिए अस्पतालों की व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। देखना होगा कि ये मॉक ड्रिल कोरोना से लड़ने में कितना कारगर साबित होगा। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप लोगों से यही अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी बनाए और सिम्टम्स होने पर जाँच जरूर कराए, क्योंकि स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। उधर चीन में कोरोना के कोराम ने पूरे देश की चिंता को बढ़ा दिया है। कोरोना को देखते हुए पूरे प्रदेश में प्रशासन और स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए जिलों में मॉक ड्रिल करके कोरोना की तैयारी का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन सूरजपुर में भी मॉक ड्रिल को लेकर कोई तैयारी नहीं दिख रही है। तो वहीं पूरे मामले को लेकर जिले के सिविल सर्जन का कहना है कि हमने तैयारी पूरी कर ली है, जैसे ही कोरोना के मामले आएंगे उसी हिसाब से काम किया जाएगा। कोविड को लेकर हमारे पड़ोसी देशों में कुछ कोविड के केसेस मिल रहे हैं, इसके कारण भारत में भी और भारत के विभिन्न प्रदेश में प्रशासन और शासन के निर्देशानुसार अलर्ट मोड में आ रहे हैं धीरे धीरे, और उसकी तैयारी पूर्व से ही करने की कोशिश की जा रही है। उसी क्रम में मॉक ड्रिल वगैरह के लिए निर्देशित किया गया था, जिसे हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग देख रहे हैं क्या तैयारी हम लोग कर सकते हैं और जहाँ जो कमी होगी उस गैप्स को हम लोग पूरा करने के लिए प्रशासन की मदद से जो भी कार्य होगा उसको।